पूरा इस तरह चले। अस्सलाम वालेकुम, आप आज हम आए हैं आउटडोर बारबेक्यू करने। नहीं यार, स्पेशल मस्जिद। हम लोग बिल्कुल शास्त्री मस्जिद के करीब बैठे हैं। बोले की दुआ बहुत प्यारा बोल। हमने कहा चले भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए वीडियो बनाए। आप लोग भी आए जी इस्लामाबाद घूमने फिर रहे, और हम तो तैयार कर दिया है। हम भी अचानक निकले हैं जी, और ये देखें आप, ये देखें आप तैयार भी हैं। मैंने सीखों पे लगा लिया है, आग लगाई है, जैसे ही आग तैयार होती है और हम इसको इंशाल्लाह, हम सारा सामान लेके आए हैं और रात हो गई, हवा भी बहुत मजा की चल रही है। ये करके बना रही है, तस्वीर ही ना है, इसको काट के दूसरी तरह बनाओ। दूर नहीं जाना, मनाल नेरा अंधेरा हो रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आए जी इस्लामाबाद आउटडोर हम शाफ्ट मस्जिद के करीब हैं, और ये देखिए हमने सीखों पे गोश्त वगैरह लगा लिया है, चिकन वगैरह, और आग लगाई हुई है, जैसी आग तैयार होती है तो हम इसको बना के आपको दिखाएंगे। आप लोग भी इस्लामाबाद आए, और रात का टाइम है और हवा भी बड़ी मजे की चल रही है। आप लोग भी इस्लामाबाद आए और अपने बच्चों को भी लाए साथ, दोस्तों के साथ आए, बहुत जबरदस्त मौसम है जी। सारा सामान हम लेके आए अपने साथ, ये देखें कपड़े आते हैं, ये आप देख लें जी, हम आग देखें जबरदस्त तैयार हो गई है, बस 5-7 मिनट में हम इसको तैयार होने के बाद इसके ऊपर सीखे रखेंगे। आपने भी अगर हमें ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आ जाएं, एक दो सीखें हम आपको भी दे देंगे। और बेल आइकन को भी दबाना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द जल्द मिले। आपके किताबों का बहुत शुक्रिया। चले अब हम जब बनाएंगे आग तैयार हो जाएगी, फिर आपको एक और वीडियो दिखाएंगे। ये देखें जी, हम घर से 2 ईंटे भी लेकर आए थे, अपने कोयले भी लाए थे, और अब हमारी तकरीबन ये तैयार हो गई आग, और हमने 5 सीखें रख दी हैं। अब जैसे ही तैयार हो गई फिर हम इसको खाएंगे इंशाल्लाह। पीछे आ जा, पीछे आ जा। ये देखें आनंद फानन हमने ये तैयार किया है, आदर फारा जल्दी जल्दी से। और ये हमने और भी रखे हैं, अभी हमने 5 रखे हैं। दुआ मनाल बड़ी ये हम इधर फैसल मोस के नियर यहाँ पे आके गार्डन में बैठे हैं और कर रहे हैं। ये देखें जी, ये हमने ओपन बारबेक्यू करने का प्रोग्राम बनाया है, और हम शाफ्ट मस्जिद के करीब आ गए हैं, हमारी आग तकरीबन तैयार है। ये देखें तो कितना प्यारा है, यहीं पे लाए और इस ईंटों पे बना रहे क्यों गए, और हमने अभी इस पे 5 लगाई हैं आनंद फारस से, और ये और पड़ी हैं। अंगीठी ना लाने की वजह से हम सिर्फ 5 ही इसको एक वक्त में तैयार कर सकते हैं। और ये देखें, ये हम जी चिकन की कर रहे हैं, आग हमने जलाई है और कोलों को पकने में थोड़ी देर लगी है, लेकिन अब पूरी तरीके से पक चुके हैं वो। करीब लाके दिखाएं, ये देखें कुछ थोड़े थोड़े से पक रहे हैं। ये देखें
ये बन रहे हैं। ये देखिए ये हो गया थोड़ा, ये देखिए ये देखे जबरदस्त है जी, खूबसूरत तैयार हो गई है। अब हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल फैमिली को भी लेकर करें जी, बेल आइकन को भी दबाना मत। ये बहुत प्यारी जगह, इधर लोग भी आए हुए हैं बहुत से बैठे हुए। ये हमने ये बारबेक्यू के लिए आग लगाई है यहाँ पर कोयलों के साथ, और जब हम ये अपना बारबेक्यू कंप्लीट कर लेंगे तो फिर हम इस पे पानी डाल के आग को बुझा देंगे कि ना इस घास को आग लगे और ना मजीद किसी को नुकसान हो। ये लो अपना फेंकता है इधर आराम से, ये बहुत ज़रूरी है जी, जहाँ भी आप जाएं अगर आप आग लगाते हैं, किसी किस्म का खाना बनाते हैं या बारबेक्यू करते हैं, तो आप जाते वक्त जब उस जगह से रुखसत हो रहे हों तो उस जगह पर अच्छी तरह पानी डाल के इस बात की तसल्ली कर लें जो आपने आग लगाई है वो आग पूरी तरह ख़त्म हो जाए, और कुछ आग का ज़रा सा भी डॉट ना हो। अक्सर बेशतर मारगला के पहाड़ों में आग लग जाती है, और ये यही होता है कि हम इंसानों की लापरवाही की वजह से लगती है, जिससे लाखों रुपए की लकड़ी और कीमती दरख्त और माहौल आलूदा होता है, और परिंदे जो हैं और हशरात वगैरह सब परेशान होते हैं। ये चलें जी, अभी हम बना रहे हैं इसको, जैसे ही तैयार होती है तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये दुआ जिस तरह आप बना रही हैं इस तरह तो नहीं वीडियो सही करें। ये देखें, ये हमने फाइव बनाई है, ये तैयार हो गई है। ये देखें जी, मनाल देखें, बताएं ये तैयार है? तैयार है जी। चलें इस बार ठीक है जी, अब हम इन्हें प्लेट में निकालते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये देखें निकाल रहे हैं हम, इसके अंदर हमने 3-3 लगाई थी। पके? ये रे, अब हमारे बिल्कुल तैयार, अब हम 5 और लगाएंगे। प्लेटें देख, प्लेट में देखें जी, हमने टिकट तैयार की है। अब ये और देखें जी, अपने जो तैयार नहीं है वो हम तैयार करने लगे। ये लें चटनी के साथ, आप लोग खाएं इसको। अस्सलाम वालेकुम, ये देखिए हमारे बाबा ने चिकन टिक्के बनाए हैं, बैदा की चटनी है, और वो उधर बैठ के खा रहे हैं क्योंकि इधर लाइट नहीं थी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, रुके यार मेरा हैंड लग गया सॉरी। ये देखिए, ये देखे कैसी सीखे पे लगे हुए हैं, देखे मेरे बिल्कुल करीब है। जाली नहीं आ रही है, ये पता है क्या,
ये नहीं बनाया ना, ये तो बिल्कुल ही छोटा छोटा। ये देखें पापा जी, देखें ये देखें, इतने इतने बड़े बड़े हैं। ये देखें और ये चटनी ग्रीन कलर की, देखें और किसी रंग की नहीं आती, ग्रीन की ही होती है। ये छोटे खाना खाएं यार, आप नल खाएं। और अब मैं खा रही हूँ खाना, तो अल्लाह हाफिज़, बाद में मिलेंगे, अल्लाह।